हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। और आज हम देखेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट को अपने या टाइप स्क्रिप्ट का सेटअप कैसे करते हैं, और हम एक हेलो प्रोग्राम रन करवाएंगे अपने टाइप स्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नोड JS इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए, नोड JS इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले अपना एक ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर आपको लिखना है डाउनलोड नोड JS। जैसे ही आप नोड JS अपने ब्राउज़र में राइट करेंगे, आपको इसकी एक ऑफिशियल साइट मिलेगी node.js.org। अब यहाँ से आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग नोड JS इंस्टॉल कर सकते हैं। सपोज अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना, और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो मैक के लिए। तो यहाँ मैं यहाँ पर मैक यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, मैक के लिए इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये मेरा नोड JS क्या हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। अब हम क्या करना है, आपको इस नोड JS को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना, देन कंटिन्यू, देन फिर कंटिन्यू, इसका लाइसेंस एग्री करना है, देन कंटिन्यू, इंस्टॉल। और यहाँ पर अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आपसे कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा। यहाँ पर मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं इसको पासवर्ड देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको पासवर्ड दे दिया। तो ये हमारा नोड JS इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट, अगर आप विंडोज यूज़ कर रहे हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट यूज ओपन करना है, और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आपको टर्मिनल ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर मैक यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, टर्मिनल प्रेफरेंस। ओके, ये मेरा बड़ा हो चुका। अब आपको क्या करना है, आपको एक कमांड टाइप करनी है। आपको चेक करना है कि आपका जो नोड JS है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिंपल एक कमांड फायर करनी है, नोड V। ओके, यहाँ पर आपको करना है नोड वर्जन, किसी में नोड वी से भी हो जाता है। तो ये आपको बताएगा आपका कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है नोड JS का। अब आपको क्या करना है, आपको npn कमांड के थ्रू टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करनी, सॉरी टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है। तो अगर आप मेक यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो कमांड यूज़ करनी हो वो यूज़ करनी है sudo npm। अब जो npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। तो अगर आप एंड देन इंस्टॉल जी टाइप स्क्रिप्ट, अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं या मैक यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना, आपको पूरी इस टाइप से कमांड यूज़ करनी। और अगर आप सिंपली अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ यही कमांड यूज़ करनी, sudo इसमें यूज़ नहीं करना है। आपको सिंपली कमांड यूज़ करना है npm install g टाइप स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, और इंटर मारना है। ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप विंडोज़ यूज़ करेंगे तो आपसे ये पासवर्ड नहीं मांगेगा। यहाँ पर ये क्या होगा, ये हमारा टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन चेक करना है। तो टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन चेक करने के लिए आपको सिंपल एक कमांड यूज करनी है, tsc वर्जन। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर जो जी है, जी का मतलब होता है ग्लोबल, ठीक है, और npm का मतलब है नॉट पैकेज मैनेजर। और यहाँ पर आप अगर ये tsc लिखेंगे, मीन्स टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर,
देन क्या करना है आपको, उसका वर्जन चेक करना। तो ये आप देख सकते हैं हमारा टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन 3.7.4, ये हमारा टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन है। अब आपको क्या करना, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एडिटर यूज़ करेंगे। तो एडिटर आप बहुत सारे एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं, पर मेनली जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, हम यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। तो आपको सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड, अगर विजुअल स्टूडियो कोड सिंपली आपको टाइप करना है, देन यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना प्लस इंस्टॉल करना। अगर आपने हमारी जो सीरीज़ हो, अगर आपको नहीं पता है इसको कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, तो आप हमारी जो एक सीरीज़ है, हमने एक जो सीरीज़ बनाई है जेंगो पर, तो उसमें हमने प्रॉपरली इसमें गाइड किया हुआ कि कैसे इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था। तो आप वो सीरीज़ देख सकते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है देन इंस्टॉल करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है विजुअल स्टूडियो कोड, मैं इसको रन करवाता हूँ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है, और यहाँ पर डायरेक्टरी का नाम देता हूँ नोट, सॉरी मैं यहाँ पर देता हूँ टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्राम। ये हमने डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। अब क्या करना है आपको, विजुअल स्टूडियो ओपन करना, देन यहाँ पर इस डायरेक्टरी को ओपन करना है। तो यहाँ पर मेरी डायरेक्टरी थी टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्राम, सिंपली आपको इस फोल्डर की साथ में ओपन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको एक, हम यहाँ पर एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली आपको एक फाइल क्रिएट करना, मैं चूंकि हम यहाँ पर एक हेलो प्रोग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं हेलो डॉट टी एस, ये हमारा हेलो प्रोग्राम का नेम है, और टी एस इसका टाइप स्क्रिप्ट, इसका क्या है एक्सटेंशन, आपको टाइप स्क्रिप्ट ही रखना है। देन क्या करेंगे, हम इसको ओपन इसको ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर हम एक हेलो स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंसोल, अभी आप देख सकते हैं ये हमारा, हमें जो है कंपाइल टाइम एरर प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर कंसोल डॉट, यहाँ पर लॉग, और यहाँ पर सिंपली हम हेलो प्रिंट करवा लेते हैं, हेलो टाइप स्क्रिप्ट। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है। अब हम इस प्रोग्राम कंपाइल करवाना, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको कंपाइल करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और ये हमारा टर्मिनल, यहाँ से आपको टर्मिनल ओपन करना है। और ये आप या तो फिर आप अपना जो है आप कमांड प्रॉम्प्ट के भी थ्रू कर सकते हैं, बट आपको इस फोल्डर जो हमारा एक डायरेक्टरी है वहाँ तक आपको क्या करना, पाथ देना है। ये जो हमारा डायरेक्टरी है यहाँ तक आपको ज़रूर पाथ देना है। यहाँ पर क्या किया, हम इस डायरेक्टरी के अंदर है। अब सिंपली आपको इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे TSC means type script compiler, type script compiler, और हम अपने प्रोग्राम का नाम देंगे .ts। अब हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे, ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुकी है। अब हम ऑलरेडी हम बात कर चुके थे कि जो भी हम टाइप स्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करते हैं वो कंपाइल होने पे कन्वर्ट होता है हमारे जावास्क्रिप्ट में। तो ये आप यहाँ पर फाइल देख सकते हैं, और जब आप ओपन करेंगे तो दोनों में सेम कोड है। ये एक्चुअली सेम कोड नहीं होता, फिलहाल के लिए ये सेम कोड है। यहाँ पर ये टाइप स्क्रिप्ट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे index.html, index.html फाइल, और हम क्या करेंगे इसमें HTML कोड लिखेंगे। HTML कोड के लिए लिखना है आपको, और आपको क्या करना है, इंटर मार देना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम लिखते हैं सिंपली टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्राम, और यहाँ पर हम बॉडी के अंदर लिखते हैं स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, देन इस स्क्रिप्ट को क्लोज करते हैं,
और यहाँ पर हम सोर्स देते हैं किस फाइल को हम क्या कर रहे हैं एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर हमारा जो जावा स्क्रिप्ट फाइल है तो यहाँ पर हेलो डॉट जावा स्क्रिप्ट फाइल हम इसको एक्सेस करते हैं। देन क्या करते हैं मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर अब हम आपको क्या करना है वो डायरेक्टरी ओपन करना और यहाँ पर इस जो HTML फाइल इसको रन करना। इसको रन करवाने के इसको राइट क्लिक करना ओपन विथ क्रोम। या आप अगर आप देखेंगे अभी हमारे पास फिलहाल इसमें कुछ प्रिंट नहीं हो रहा क्यों क्योंकि हमने जो प्रिंट करवाया कंसोल पे प्रिंट करवाया लॉग पे प्रिंट करवाया। तो इसके लिए आपको क्या करना उसको चेक करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है देन यहाँ पर इंस्पेक्ट देन यहाँ पर कंसोल और ये आप देख सकते हैं हमारा हेलो टाइप स्क्रिप्ट जो हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया था वो प्रिंट हो चुका है। तो ये था हमारा कि हमने देखा कि टाइप स्क्रिप्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में देन एक हेलो प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और उसको रन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।